अभी हमारे देश का माहौल देखते हुए लोग ये कहेंगे, बार बार ये कहेंगे कि हम अचानक से बॉयकॉट नहीं कर सकते चाइना का। सबके पास अपना अपना एक तर्क है, लेकिन हर तर्क का तो एक जवाब नहीं हो सकता, और लेकिन एक सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो लोग ये ना सोचें कि हम झटके से एक स्विच है कि हम चाइना की चीज़ें बॉयकॉट कर दें और हमारा काम धाम शुरू हो जाएगा और हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट एक झटके बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रोसेस से अचीव की जा सकती हैं। सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छे से बताया, आपने उनकी वीडियोज़ अगर देखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखी होंगी तो उनकी कुछ बातें मैं कोट कर देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे की फैक्टर उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन कैसे हैं और अभी जो तनाव चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, कि वो धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारी आर्मी से उलझ रहा है, वो सेना बढ़ा रहा है अपनी, हवा में हलचल बढ़ रही है, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ से भी आर्मी जा रही है, एयरफोर्स जा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये तनाव ठीक नहीं है। वो अपने यहाँ अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है, उसके लोगों में फूट पड़ रही है और वो उनको जोड़ने के लिए दो देशों की लड़ाई का माहौल बना रहा है ताकि लोग एकत्रित हो जाएं और उस पार्टी को वोट दें, समर्थन दें कि ये माहौल ठीक है, इंडिया के साथ वॉर हो रही है और हम चाइना का समर्थन करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहा है वो। हमें उनकी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, हमें किसी भी चाइनीज जनता से कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं, इंडिया जाना कोई मार है ही नहीं, पहली चीज़। लेकिन जो चीज़ चाइना कर रहा है अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, उसमें हमें नहीं फंसना है। और यही मौका है कि अभी कुछ दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा दिया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और लोकल के लिए वोकल होंगे, आवाज़ उठाएंगे कि हम लोकल चीज़ें यूज़ करें, ये चीज़ें एक झटके में अचीव हम नहीं कर सकते, शायद एक साल में नहीं, दो साल में नहीं, तीन साल में नहीं, शायद पाँच साल में, शायद दस साल में, लेकिन हमेशा के लिए चाइना पे निर्भर होने से अच्छा है हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश अभी से करें। जो लोग मुझसे एग्री करते हैं कमेंट में अपने अपने सजेशन दे सकते हैं, और ये वीडियो नहीं तो आप खुद वीडियो बनाइए अपने अपने प्लेटफॉर्म से, लोगों को मोटिवेट करिए कि कैसे हम चाइना का बॉयकॉट कर सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने नारा दिया, कोई भी किसी भी आइडियोलॉजी का आदमी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपोज करता है तो वो एक तर्क जरूर ये देता है कि हम देश को इस तरीके से बचाना चाहते हैं, इस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी कुछ और कहती है, लेकिन अल्टीमेटली तो लोग यही कहना चाहते हैं ना कि हम, हमारा तरीका ज़्यादा अच्छा है देश के लिए। तो अगर आपका तरीका ज़्यादा अच्छा देश के लिए तो आप तरीके बताइए, क्रिटिसाइज़ करके चीज़ को ही ख़त्म कर देने से कोई मतलब नहीं होगा। मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे सोनम वांगचुक ने कहा था कि एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर और एक साल में हार्डवेयर बदलने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा था हर चीज़ का बॉयकॉट करें, लेकिन लोगों ने सोचा कि कैसे हम कर दें, हमारे पास फ़ोन चाइना का, कैमरा चाइना का, टीवी चाइना का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर एक चीज़ चाइना की, कैसे हम बदल दें। लेकिन लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हमारे भारत में ही दुनिया देख रही है कि इंडिया में आएंगे तो इतना बड़ा मार्केट है, क्या यहाँ की कंपनीज, यहाँ के स्टार्टअप के लिए एक मार्केट नहीं है, पोटेंशियल मार्केट नहीं है? अगर एक बहुत बड़ा सेक्शन आत्मनिर्भर बनना चाहता है और कह रहा है कि मैं इंडियंस का ही सामान खरीदूंगा, तो क्या आने वाले इंडियन बिजनेसमैन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या वो ऐसे नहीं सोच सकता कि हमारे लिए, तो हमारी जनता खुद हमारा मार्केट बनना चाहती है? तो वो ये सोचे कि हम कैसे उन चीज़ों का रिप्लेस तैयार कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं अपने यहाँ की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। सरकार मदद करने को तैयार है, प्रमोट करने को तैयार है, जनता आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तैयार है, जानबूझ के कि हम चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि आप कैसे टिकटॉक का रिप्लेस बना सकते हैं क्वालिटी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाइए, क्वालिटी प्रोडक्ट रिसर्च करके। आप सब जानते हैं टिकटॉक कैसे वर्क करता है, हेलो ऐप, मतलब मैं जिन जिन ऐप्स का नाम ले रहा हूँ वो चाइना के हैं, होल एंड सोल पूरे चाइना के हैं, तो उनका रिप्लेस आप बनाइए, कोई सॉफ्टवेयर और शेयर इट, आप उनका पूरा रिप्लेस बनाइए। और बहुत सारी आपको इंडियन कंपनी की लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें चाइना के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बड़ा बड़ा हिस्सा लगा हुआ है, जिससे यहाँ से अगर हम फ्लिपकार्ट, ओयो, पेटीएम, इन सब के पास चाइना के इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम उनकी भी सर्विस अवेल करते हैं तो एक हिस्सा उनके पास भी जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने यहाँ के जितने कंपनियाँ हैं उनको बायकॉट कर दें, नहीं, इन्हें कंपनियों को समझना पड़ेगा कि हम अपने इन्वेस्टर्स कहीं और से ढूंढें, अपनी सर्विसेज को इस तरीके से बढ़ाएं कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिले, इन्वेस्टर्स को हटा दें, मतलब धीरे धीरे अपने हिसाब से उनका बिजनेस मैनेजमेंट है उसको मैनेज कर लेंगे। वो लोग समझते हैं अगर कि हमें अपने मार्केट को समझना है, अपने देश को समझना है, तो अपने आप को मैनेज कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक स्विच में आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना हमारे हाथ में है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। टिकटॉक हटाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, हेलो ऐप हटाने से कोई नुकसान नहीं होता, वो बस ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम का थर्ड ग्रेड वर्जन है, ऐसा लगता है, यूज़ करके कभी देखिए।
तो आप हटा सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, कैमरा, फ़ोन, टीवी, कुछ भी, तो हार्डवेयर जो आपके पास अभी मौजूद है, जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, कोई ये नहीं कह रहा उसको फेंक दो, फेंकेंगे तो आपको शायद फिर नीड पड़ेगी, आप फिर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। आपको इसका, आप इसको चाइना को वापस करके पैसा नहीं लेने वाले हैं कि उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। बस जो करंटली आपके पास है, आप भविष्य में कोशिश करें कि वहीं से खरीदें जो भारत में बना, वहीं से खरीदें जो कंपनी भारत की हो, भारत में बनाती हो, भारत में बेचती हो। कोशिश करिए, बॉयकॉट करने का ये भी तो मतलब होता है कि हम दोबारा वही प्रोडक्ट उस देश से आया हुआ ना खरीदें। हमारे पास जो आज की डेट में है, मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोन है, तो अगर वो चाइना का बना होगा, मेड इन चाइना लिखा होगा उस पर, तो मैं उसको फेंक के बॉयकॉट नहीं कर सकता, मैं ये रखूँगा, मैं भविष्य में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदूँगा। इसको फेंकने से चाइना कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल चुका है। अभी समझने की कोशिश करिए, हम बस ये कर सकते हैं कि कोई अगला स्टेप ऐसा ना लें जिससे उसके पास पैसा जाए। अब एक मुद्दा ये भी आता है कि उन रिटेलर्स का क्या होगा, उन सप्लायर्स का क्या होगा, वो जो मीडिएटर्स होते हैं जो पैसा कमाते हैं, जो दुकानें होती हैं जो मार्जिन कमाते हैं इनके प्रोडक्ट्स बेच के, फिर उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखा जाए तो इससे एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ तक आ गया तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को शेयर करो, नहीं तो इस मैसेज को शेयर करो। मुझे मेरी वीडियो शेयर होने का कोई वो नहीं है, लेकिन मैसेज जरूर शेयर होना चाहिए कि लॉजिकली इस चीज़ को समझे लोग, आँख बंद करके ना समझें। मैं किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता बस समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ अंदर तक। कोई सवाल है तो आप कमेंट में करिए, सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट में दीजिए, मुझे भी समझ में आए आप भी जनता को वायरल करिए आपके सुझाव। क्योंकि आप समझिए, हमारी आर्मी बॉर्डर पर लड़ती है, जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ चाइना के प्रोडक्ट खरीद खरीद के इनडायरेक्टली उनकी गोलियाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया, ये गोली तुम खरीदो और हमारे जवान को मार दो। उनके पास, आपको सोना वांगचुक ने ही एक डाटा दिखाया था, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितने लाख करोड़ हम इम्पोर्ट करते हैं और कितने लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो शायद ये डाटा देख के आप हैरान हो गए होंगे, शायद 5.2 लाख करोड़ हम उसको देते हैं, तब हम इम्पोर्ट करते हैं 5.2 लाख करोड़ का और 1.2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में। तो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा ट्रेड डिफिसिट है, हमें इसे कम करना पड़ेगा। हम ज़ीरो नहीं कर सकते, सारी कंट्रियाँ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक समय ऐसा चल रहा है कि अपने देश की मदद करनी, इससे हमारी इकोनॉमी भी सुधरेगी, इससे नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी, इससे उन स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा जो जिनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, पर वो सोचते हैं कि ऐसा तो ऑलरेडी फॉरेन में हो रहा है, पर हम तो उन्हें बैन करना चाह रहे हैं ना, हम उन्हें बॉयकॉट करना चाहते हैं, हम चाइना के ऐप्स यूज़ ही नहीं करेंगे, हम आपके करेंगे चाहे चाइना जैसा ही हो, तो हमें वही फैसिलिटी आप देंगे भारत में बना के। तो वो करिए, आप हर वो चीज़ करिए बिना झिझक के, आप जनता के सामने खुल के उस आइडिया के साथ आइए, चाहे यूट्यूब वीडियो से, चाहे जिस माध्यम से, ट्विटर से, सरकार को अप्रोच करिए हर उस माध्यम से जो उसने सर्विसेज निकाली, जो स्कीम्स निकाली हैं, कहिए कि मैं करना चाहता हूँ, लोग मदद करने वाले हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि कहीं से अचानक से उठ के सोनू सूद ने मदद की, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी मदद वो करने वाला है बंदा। उस आदमी ने बताया कि इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं मुझे, रोज़ 200 कॉल्स आते हैं और बहुत बात, दिन भर बातें करता रहता हूँ मैं, दिन भर हैंडल करता हूँ, मैनेज करता हूँ, इतने लोगों को पहुँचाया। उसी तरीके से क्या पता आपको भी कोई अचानक से हेल्प कर दे और आपका भी बिज़नेस ग्रो कर दे। तो करिए, ये बहुत सुनहरा मौका है आपको इस इतने बड़े मार्केट में एक्सपैंड करने का, ग्रो करने का, एग्जिस्ट करने का, और जनता जानबूझ के आपको मदद करेगी और जनता को करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम भारत में बनी हुई चीज़ें जानबूझ के लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें चाइना को बॉयकॉट करना है। और ऐसे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, जो चाइना के हैं, हम उसे हटा सकते हैं अपने यहाँ से, और हम भारत में बनी हुई सिमिलर सर्विसेज, क्योंकि चाइना ये करता है, चाइना अमेरिका का यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, हर वो चीज़ वो अलग अलग नाम के साथ अपने यहाँ बना के इस्तेमाल करता है। तो आप समझिए, वो बहुत पहले ये कर चुका है, इसीलिए दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर सीखना भी है तो उससे ये तो सीख लीजिए, और अगर किसी के लिए नहीं करना है तो सिर्फ दो लोगों के लिए करें, अपने देश के लिए, अपने देश की आर्मी के लिए, वो वहाँ लड़ रही है हथियारों के साथ, और हम यहाँ बैठ के चाइना को फंड नहीं कर सकते कि लो हमारे पैसे की गोली खरीद के मारो। थोड़ा सोच के देखिए, क्या आप कभी नहीं चाहेंगे, चाहे जिस आइडियोलॉजी के हों, या कभी बता दीजिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की कभी उन्नति हो, कभी ग्रो करे, कभी हाईएस्ट जीडीपी हो, कभी वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री हो, कुछ भी नहीं चाहते तो बता दीजिए। अब आपका सहयोग भविष्य में आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए ही काम आएगा, बस इतना समझिए, कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर मैं चाहता हूँ जानबूझ के हर वो वीडियो को करे आदमी, चाहे अपने थॉट्स के थ्रू, अपने खुद की वीडियो बना के, चाहे मेरी वीडियो शेयर करके, जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आए,
आप शेयर करिए, वायरल करिए, एक सोच को मुहिम बनाइए। किसने शुरू की, कहाँ तक पहुँची, कुछ नहीं, रिजल्ट से मतलब है। कौन शुरू करता है, कितना छोटा आदमी कितना बड़ा आदमी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर है, भारत का भला कैसे हो रहा है, ये आपके ऊपर है कि हम भारत को कैसे बचाएंगे भविष्य में और भारत को कैसे महान बनाएंगे फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।